बढ़ते आगे। सिंबू ने विपक्ष पर आरोप लगाया था कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। इस आरोप का केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने गलत करार दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अमित दुबे ने बात की महेंद्र नाथ पांडे से। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री ने। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ है। सर, मायावती ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोलने की आजादी का आरोप तो पहले से बीजेपी लगा रही है, अब मिशन यूपी पे निकलने वाली है, कहीं ना कहीं बसपा मजबूत। जिस मायावती जी के सामने उनके सांसद विधायक मंत्री दरी पर बैठते हों, सामने बराबरी में बैठ नहीं सकते हों, वह इस तरह की बात करें, इस पर मुझे बहुत हंसी आती है। सर, मंडल स्तर पे रैलियां होने वाली है, कार्यक्रम होने वाले, मायावती जो है कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी, क्या लगता है कि पुराना वोट बैंक उनका वापस आएगा? उनके वोट बैंक ने उनको अच्छी तरह समझ लिया है और आज भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन के प्रति सारे समाज का झुकाव है। मायावती का समय अब समाप्त हो गया। सर, आखिरी सवाल, जिस तरह से पार्लियामेंट चले, कैग की रिपोर्टें आई, चाहे सेना को लेके या रेलवे को लेके, क्या लगता है सरकार के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होने का? कहीं नहीं, जो तथ्य है सरकार उस पर गौर कर रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो तथ्य है वो सरकार उन पर गौर करे। दूसरी चीज, मायावती जिस तरह से काम कर रही है, लगता है कि अपने वोट बैंक को पाने में कामयाब नहीं होगी। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली।